हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग। और फ्रेंड्स, राजस्थान के इतिहास में हम मारवाड़ रियासत का जो इतिहास पढ़ रहे थे उसमें आज पढ़ेंगे हम मालदेव के बारे में। मित्रों, राव मालदेव के बारे में विस्तार से जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मित्रों, जितना आप इसको शेयर करेंगे उतनी लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगी और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, फ़ायदा ले सकेंगे। मित्रों, मेरी वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि जो लोग भारी भरकम फीस भरकर कोचिंग में तैयारी नहीं कर पाते कंपटीशन की, या बड़े खर्चे पर, बहुत मतलब खर्चे पर एक कोर्स खरीद नहीं पाते मित्रों, वो मेरी वीडियो देखकर कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, राजस्थान जीके में हम मालदेव के बारे में आज जानेंगे। मित्रों, मालदेव जो है वो राव गंगा के पुत्र थे और ये जो मालदेव है मित्रों, ये राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि बड़े पुत्र थे। और इनका जन्म जो है मित्रों, 5 दिसंबर 511 ईस्वी को होता है। मित्रों, राव गंगा की मृत्यु के बारे में मैंने आपको बताया कि राव गंगा की मृत्यु जो है वो मालदेव के कारण हुई थी। नशे में राव गंगा जो है वो अपने महल की खिड़की में बैठे थे और राव मालदेव ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे राव गंगा की मृत्यु हो गई। लेकिन मित्रों, इस बात का जब जोधपुर में पता लगता है राजपूत सरदारों, राठौर सरदारों को, सामंतों को, तो वो मालदेव के विरोध में हो जाते हैं। मित्रों, मालदेव का जन्म मित्रों, इनकी जो माता थी वो सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। और जोधपुर में मित्रों, जो मालदेव के विरुद्ध एक माहौल गर्मा जाता है कि मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो इनका शासक बनना मुश्किल हो जाता है। अतः मित्रों, और मालदेव का जो राज्याभिषेक है वो 21 मई 1532 ईस्वी भी हमें मिलता है मित्रों कई बुक्स में, कि 21 मई 1532 को सोचत पाली में इनका राज्याभिषेक किया जाता है। मित्रों, जोधपुर में इनका राज्याभिषेक ना करके सोजत पाली में इनका राज्याभिषेक किया जाता है। मित्रों, मालदेव को इतिहासकारों ने कई उपनाम भी दिए हैं, जिनमें फारसी इतिहासकार वो मालदेव को हशमत वाला राजा कहते हैं, हिंदुस्तान का हशमत वाला शासक। ये एक फारसी साहित्यकार हैं, फारसी इतिहासकार, उन्होंने कहा। इसके साथ ही मित्रों, हमारे जो बदायूनी थे, जो अकबर के शासनकाल के टाइम जिन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया, इन्होंने भी मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। किसने कहा है? बदायूनी ने मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा, मालदेव को बदायूनी ने। इसके साथ साथ मित्रों, इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता, इनका नाम भी हम राजस्थान इतिहास में बहुत बार पढ़ते हैं, फरिश्ता ने मालदेव को हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शासक की संज्ञा दी। तो इस तरह मित्रों, अलग अलग उपनाम जो हैं वो राजस्थान में इतिहासकारों ने मालदेव को दिए, एक तरह से उपनाम जो है वो मालदेव को दिए गए। मित्रों, मालदेव ने अपने राज्य का विस्तार करने के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध भी बनाए। मित्रों, 1532 से लेकर 1535 तक इन्होंने मेवाड़ की, जब मेवाड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो इन्होंने मेवाड़ रियासत की पुरजोर इन्होंने सहायता की, मेवाड़ में अपनी सेना भेजकर वहां के शासक विक्रमादित्य को इन्होंने पूर्ण रूप से सहायता प्रदान की। मालदेव का मित्रों, जब राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े, और मालदेव ने सर्वप्रथम मित्रों 1532 में भद्राजून जो है मित्रों, ये नागौर के पास पड़ता है, भद्राजून पर चढ़ाई की 1532 में। और वहाँ का जो स्वामी था, वहाँ का शासक जिसका नाम था वीरा के साथ युद्ध किया। युद्ध में मित्रों, ये जो वीरा था ये मारा गया और भद्राजून पर मालदेव का अधिकार हो जाता है। और ये जो भद्राजून की जागीर थी, ये मालदेव ने अपने पुत्र किसको दी? रतन सिंह को सौंप दी। इसके बाद मित्रों, मालदेव जो है उनका नागौर अभियान चलता है। नागौर अभियान मित्रों,
वहाँ का जो शासक होता है उसका नाम है दौलत खां। उसका नाम क्या होता है? दौलत खां। मित्रों ये मेड़ता पर, ये जो दौलत खां है मित्रों, ये मेड़ता पर अधिकार करने का प्रयत्न करता है तो मालदेव क्या है उससे नाराज होकर उस पर आक्रमण कर देता है। मित्रों आक्रमण कर देता है तो दोनों के मध्य 1533 ईस्वी में हीरा बाड़ी, या इसको हीरा बाड़ी कहते हैं मित्रों। ये हीरा बाड़ी जो स्थान है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में है और इस हीरा बाड़ी स्थान पर दौलत खां और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ जिसमें मालदेव की विजय होती है और ये दौलत खां जो है वो मित्रों भाग जाता है नागौर से। नागौर पर मालदेव का अधिकार हो जाता है और मालदेव जो है ये नागौर की जो जागीर है मित्रों वो वीरम मांगलियोत को देता है। मांगलियोत को यहाँ का एक तरह से सूबेदार बना देता है मित्रों, कहाँ का? नागौर का। इस तरह मित्रों नागौर जो अभियान है वो भी मालदेव का सफल होता है। इसके बाद मित्रों जो मालदेव है वो मेड़ता और अजमेर पर अधिकार करने की सोचता है। मेड़ता व नागौर के लिए अभियान करता है मित्रों। इस अभियान के दौरान मेड़ता का जो शासक होता है भीरम देव, इनके बीच में भीरम देव और मालदेव के बीच में मित्रों बाल्यावस्था में ही कुछ विरोध हो गया। विरोध किस कारण हुआ कि मित्रों जब राव गंगा थे उस टाइम की बात थी मित्रों, कि राव गंगा के टाइम में राव गंगा ने और मालदेव ने, इन पिता पुत्र दोनों ने मिलकर क्या किया कि नागौर के शासक दौलत खां पर आक्रमण किया था। दौलत खां तो मित्रों वहां से भाग गया था नागौर से, लेकिन दौलत खां का एक हाथी जिसका नाम था दरिया जोश, ये दरिया जोश जो था वहाँ पर रह गया। और लेकिन ये जो वीरम देव था इसने दरिया जोश मालदेव और राव गंगा को नहीं सौंपा। मांगने पर भी उन्हें ये हाथी नहीं दिया। किसने नहीं दिया? वीरम देव। और इसने स्वयं ने अपने पास इसे रख लिया। इस कारण इन दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। धीरे धीरे क्या था कि मित्रों इस मनमुटाव को भूलकर मालदेव ने वीरम के साथ अच्छे संबंध बनाए। लेकिन उसी टाइम में क्या हुआ कि ये जो वीरम देव था इसका लालच बढ़ गया और इसका लालच इतना बढ़ गया कि इसने मित्रों अजमेर पर अधिकार कर लिया। जब वीरम देव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया तो मालदेव ने वीरम देव से अजमेर मांगा तो वीरम देव ने मना कर दिया मित्रों, इनकार कर दिया अजमेर देने से इनकार कर दिया। तो 1535 में मालदेव और वीरम देव के मध्य मित्रों युद्ध होता है 1535 में, जिसमें वीरम देव को हरा देते हैं मालदेव और मेड़ता पर और अधिकार कर लेते हैं और अजमेर उनसे छीन लेते हैं वीरम देव से। मित्रों वीरम देव जो है वो युद्ध में हार जाता है और भाग कर कछवाहा शासक शेखा के पास चला जाता है। कछवाहा शासक, ये जयपुर के कछवाहा शासक थे मित्रों, इनका एक भाई था जिसका नाम था शेखावत, वो उसके पास ये वीरम देव चला जाता है और मेड़ता मालदेव से वापस लेने के कई असफल प्रयास करता है लेकिन फिर भी इसे सफलता नहीं मिलती। अंत में ये जो वीरम देव है वो रणथंबोर के शासक हाकिम की सहायता से शेर शाह सूरी के साथ मिल जाता है। रणथंबोर का शासक कौन है मित्रों? यहाँ पर जिसका नाम है हाकिम, और ये हाकिम जो है इसके साथ मिल जाता है वीरम देव के साथ, और ये वीरम देव और हाकिम जो है दोनों शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। मित्रों सिवाना और जालौर अभियान जो है मालदेव का काफ़ी खास है हमारे लिए। सिवाना और जालौर मित्रों राव गंगा के टाइम में भी हमने देखा कि जालौर जो है वो एक मुस्लिम रियासत है, तो मित्रों देखते हैं कि सिवाना पर किसका अधिकार था। सिवाना का क्या अभियान हुआ? मालदेव ने सिवाना अभियान के दौरान क्या क्या नई नीतियां अपनाई? मित्रों मालदेव ने नागौर के झगड़े के समय जब वह नागौर अभियान पर गए थे मालदेव, तो उन्होंने सिवाना के ठाकुर जिसका नाम था, सिवाना के ठाकुर का क्या नाम था मित्रों? तो यहाँ राजन डूंगर जी, सिवाना का ठाकुर राजन डूंगर जी, इससे सहायता मांगी थी नागौर अभियान के टाइम मित्रों। लेकिन इसने मालदेव की परवाह नहीं की और सहायता के लिए नहीं पहुँचा था ये राजन डूंगर जी, सिवाना का ठाकुर। तो इससे क्या है कि मालदेव नाराज हो गया और 1538 ईस्वी में मालदेव ने
सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया मित्रों, और सिवाना का दुर्ग जो है वो इस ठाकुर राजन जी से छीन लिया, ठाकुर राजन जी से छीन लिया। और ठाकुर राजन जी जो था वो सिवाना का दुर्ग छोड़कर भाग गया, दुर्ग पर मालदेव का अधिकार हो गया। मित्रों जानते हैं जालौर के बारे में, तो जालौर पर मित्रों सिकंदर खां का अधिकार था, सिकंदर खां का। और मित्रों मालदेव ने जालौर पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि सिकंदर खां जो जालौर का शासक था उसने मालदेव को मारने का असफल प्रयास किया। सिकंदर खां की इस हरकत से मालदेव जो था वो नाराज हो गया और मालदेव ने जालौर पर आक्रमण कर जालौर पर अधिकार कर लिया। सिकंदर खां को मित्रों बंदी बनाया और बंदी गृह में कारावास में ही इस सिकंदर खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस तरह जालौर पर भी मालदेव का अधिकार हो गया। मित्रों अब जानेंगे कि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य युद्ध कैसे हुआ, जबकि मेवाड़ के साथ तो मालदेव के बहुत अच्छे संबंध थे, तो क्या कारण बना जिसके कारण मेवाड़ और मारवाड़ में शत्रुता हो गई, इनके मध्य युद्ध की स्थिति आ बनी। मित्रों आपत्ति के समय मालदेव ने मेवाड़ रियासत की बहुत हेल्प की थी, बहुत सहायता की थी, लेकिन संबंध भी बहुत अच्छे थे मालदेव और मारवाड़ के बीच में, मेवाड़ रियासत के बीच में। लेकिन मालदेव ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण मेवाड़ रियासत से संबंध जो है वो बिगाड़ लिए। कैसे बिगड़े मित्रों, तो जानते हैं कि मेवाड़ का झाला सज्जा का पुत्र जिसका नाम था जैत सिंह, क्या नाम था मित्रों इसका, जैत सिंह। और इस जैत सिंह जो है वो उदय सिंह के सामंत का पुत्र था, सामंत का पुत्र था, एक तरह से मेवाड़ रियासत का एक सामान था। और किसी कारणवश क्या हुआ कि ये जो जैत सिंह था वो उदयपुर की जागीर को छोड़कर मारवाड़ में मित्रों मालदेव के पास चला जाता है। मालदेव ने उसे खैरवा का पट्टा दे दिया, खैरवा की जागीर दे दी। खैरवा किसी स्थान का नाम है मित्रों, वहाँ की जागीर उसने इसको दे दी, किसको, जैत सिंह को। जैत सिंह ने मित्रों प्रसन्न होकर अपनी बड़ी पुत्री जिसका नाम था स्वरूपा देवी, यह स्वरूप देवी इसका विवाह जो था वो मालदेव के साथ कर दिया। एक दिन क्या हुआ, मालदेव मित्रों अपने ससुराल गया तो वहाँ उसकी नज़र अपनी पत्नी की छोटी स्वरूपा देवी की छोटी बहन पर पड़ती है, तो वो जैत सिंह से अपनी छोटी पुत्री का विवाह भी मतलब अपने साथ करने के लिए कहता है। लेकिन मालदेव को ये बात अच्छी नहीं लगती और उसने अपनी छोटी बेटी का विवाह जो है मालदेव के साथ करने से इनकार कर दिया। अब मित्रों जैत सिंह जो था वो उसने शादी नहीं की और अपनी जो छोटी पुत्री थी जिसके साथ मालदेव शादी करना चाहता था उसका विवाह उसने मेवाड़ के राजा उदय सिंह के साथ कर दिया, मेवाड़ के शासक उदय सिंह के। अब मित्रों उदय सिंह से कर दिया तो इस बात से क्या हुआ कि मालदेव जो है नाराज हो गया, उसने मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। मालदेव ने कहाँ आक्रमण कर दिया, कुंभलगढ़ दुर्ग पर, और जिसमें वह असफल रहा। इस प्रकार मेवाड़ और मारवाड़ में मित्रों आपसी मनमुटाव हो गया। मित्रों इसके बाद क्या हुआ, दूसरी एक घटना होती है और यही दूसरा मनमुटाव भी पैदा हो जाता है, एक मनमुटाव और पैदा हो जाता है इस दूसरी घटना के कारण। तो वो कौन सी घटना थी मित्रों, महाराणा उदय सिंह जो मेवाड़ के महाराणा थे और अजमेर के सूबेदार हाजी खां, इन दोनों के मध्य रंग राय नामक एक वेश्या होती है, इसके कारण मनमुटाव हो जाता है। किस किस के बीच में, अजमेर के सूबेदार हाजी खां, अजमेर के सूबेदार हाजी खां के मध्य और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के मध्य एक रंग राय नामक वेश्या के कारण मतभेद हो जाता है। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने हाजी खां पर आक्रमण कर दिया और हाजी खां ने सहायता के लिए मालदेव को बुलाया। मित्रों मालदेव की और हाजी खां की संयुक्त सेना तथा मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह की सेना के मध्य एक हरमाड़ा नामक स्थान पर युद्ध होता है। मित्रों ये हरमाड़ा का युद्ध जो है मित्रों इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है और जयपुर के पास ये स्थान है मित्रों, यहाँ पर उदय सिंह की सेना और मालदेव की और
हाजी खां की संयुक्त सेना के बीच युद्ध होता है, जिसमें मेवाड़ के जो राजा थे उदय सिंह, इनकी हार होती है। अरमाड़ा के युद्ध में हार किसकी होती है? उदय सिंह की। मित्रों, मेवाड़ के शासक उदय सिंह की हार हो जाती है और मालदेव जो है और हाजी खां की सेना विजय होती है। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम बीकानेर अभियान के बारे में पढ़ेंगे, जो मालदेव द्वारा किया गया 1541 में। धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।